किसान भाइयों, आप देख रहे हैं इसका जो कन्वेयर है काफी चौड़ा और काफी बड़ा है, जिससे कि आप गाड़ा आसानी से लगा सकते हैं और इसकी जो निकासी है वो भी जबरदस्त आपको मिलेगी, क्योंकि इसका तीन कट का हेड है और तीन कट का हेड होने की वजह से ये निकासी ज्यादा करेगी। छह ज्वाइंट है, आप ये देख सकते हैं। ये ज्वाइंट आप खुद ही तैयार करते हैं या कहीं से तैयार करवाते हैं? खुद ही बनाते हैं हम सब चीज, सारी चीज। गियर बक्सा टिंकल का, ये हैवी ड्यूटी एक्सल है, ये 75 mm का है, ट्रोली वाला 75 mm का है। ये खड़ा बेलन में है, खड़ा बेलन है, स्पेशल ऑर्डर पे बनाया होगा। स्पेशल ऑर्डर पे बनाया ये खड़ा बेलन है, आप देख सकते हैं। ये वाला बेलन ये साइड में काम करेगा, आपको सिर्फ फेंकना है, सीधा अंदर जाएगा। ये बेलन ऊपर काम करेगा, जिससे कि आसानी से अंदर जाएगा और बहुत ही ज्यादा निकासी होगी और डीजल भी कम खाएगा, आपका ट्रैक्टर दबेगा नहीं। तो ये अब ये सोयाबीन पे चलेगी, बीच में सरसों और सोयाबीन। हाँ, सरसों सोयाबीन। और आगे आगे डॉलर चना आता है अपना, डॉलर चना आता है। और पीछे वाली पुली ये गेहूं पे चलेगी, ये गेहूं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ कटोरी वाला और मैं आया हूँ हाकम एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर। यहाँ पे थ्रेसर बनाई जाती है और थ्रेसर बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। आप ये जो थ्रेसर देख रहे हैं मेरे पीछे की साइड को, ये सारी थ्रेसर यहीं पे बनाई गई हैं। तो हम बात करेंगे कि इन थ्रेसरों के अंदर कौन सी चद्दर लगाई जाती है, कौन सा गेयर बॉक्स लगाया जाता है, कौन सी साफट लगाई जाती है, कौन सा बैलेंस होता है, इन सारी बातों को हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और हमसे जुड़ेंगे जो हाकम एग्रो इंजीनियर के जो मालिक है, वो हमसे जुड़ेंगे और इन थ्रेसरों के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम भैया जी, अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। आपका क्या नाम है, आपकी फर्म का क्या नाम है, क्या एड्रेस पड़ेगा? मेरा नाम हाकम है, हाकम एग्रो इंजीनियरिंग के नाम से अपनी फर्म है जी। कितने सालों से आपकी फर्म है यहाँ पे, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 1992 से फर्म है। 1992 से, यानी कि काफी लंबा टाइम से आप किसानों को सेवा दे रहे हैं, थ्रेसर बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी जो थ्रेसर है, कहाँ कहाँ तक के किसान आपकी थ्रेसर लेके जाते हैं? MP, UP, महाराष्ट्र, हरियाणा, सगले जाते हैं, राजस्थान के भी आते हैं। तो आप अपनी थ्रेसर के बारे में बताइए, जैसे कि ये थ्रेसर है इसके बारे में बताइए, ये कौन सा मॉडल है, ये वाली जो थ्रेसर है? ये थ्रेसर है बिगर बर्मे की, सादा। अच्छा, बिगर बर्मे की सादा, यानी बर्मा यानी एलिवेटर नहीं है इसके अंदर, लिफ्ट नहीं है जी। ये साइड पंखे में है। हाँ, साइड पंखे, दो भूसा फेंकने के हैं, दो भूसा फेंकने। तो ये मनोरपुरा मॉडल हो गया ये? हाँ, ये मनोरपुरा मॉडल है, भूत मॉडल। तो इसमें आप जो ये चेचिस लगाते हैं, ये कौन सी कंपनी का? बिजाक का लगाते हैं, यानी हैवी लगाते हैं आप ये। इसमें जो बैलेंस लगाते हैं, ये कास्टिंग का होता है या फिर MS का होता है? MS का भी है। MS का लगाते हैं। अच्छा, ये कितने केजी का होता है? ये 190 के लगभग, 190 या 200 के समथिंग बैठता है। इसमें आप जो चद्दर लगाते हैं, ये जो चद्दर आपने लगाई, कौन सी कंपनी के, कितने गेज में आप लगाते? टाटा सुपर के 10 गेज की चद्दर। ये आपने तीन जुट्टे की पुली है ये वाली जी, इसको आपने अभी बीच में छोड़ रखा है। वैसे देखा जाए तो ये बीच में किस अनाज पे काम करती है? अब ये सोयाबीन पे चलेगी, बीच में सरसों और सोयाबीन। हाँ, सरसों सोयाबीन। और आगे आगे डॉलर चना आता है अपने, डॉलर चना आता है। और पीछे वाली पुली ये गेहूँ पे चलेगी, ये गेहूँ पे चलेगी। इसके साथ में आप कितने हलार साथ में देते हैं, जो जाली होती है? दो जाली देते हैं, दो। और ड्रम के साथ में आप कितनी जाली साथ में देते? चार जाली साथ में देते हैं। आपने ये लपेटे में कितने गेज की चद्दर लगाई है? 4 mm की चेकर है इसमें, 4 mm की चेकर है इसके अंदर, और वो भी टाटा की है। हाँ जी, टाटा जी। ये दो बॉक्स आप अपनी मर्जी से लगाते हैं, किसान कहता है तो लगाते हैं? हाँ जी, ये अगर किसान एक लेना चाहता है तो एक दे देते हैं, और वरना दो ही बॉक्स लगाते हैं। ये आपका भूत मॉडल हो गया। इसमें आपने जो ड्रम है उसकी आपने क्या साइज रखा है? 31, 31.5, 31-32 के समथिंग आप रखते हैं। जिस तरह की फरमाइश होती है उस तरह की वैसे लगा देते हैं। ये एंगल की है, ये वाली है जो इसमें चैनल की भी बनाते हैं, अगर एंगल की, एंगल की बनाते हैं हम। तो आप किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये एंगल की बनाते हैं, क्योंकि एंगल की हैवी होती है। कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हम चैनल की बनवाएंगे तो हैवी होती है, बल्कि चैनल की हैवी नहीं होती, एंगल की हैवी होती है, क्योंकि काफ़ी मोटी गेज है इसकी अगर आप देखें तो।
उसके बाद में हम बात करते हैं इसके हेड साइज की। तो आपने इसमें जो हेड है वो क्या साइज का आपका हेड है? इसका हेड है 14-16। 14-16 का हेड है, यानी काफी बड़ा हेड है। और ये जो हेड है मनोरपुरा मॉडल पे ये जो हेड है भूत मॉडल का, ये भूत मॉडल है। इसमें आप कितनी वारंटी गारंटी देते हैं मशीन की? एक साल की गारंटी होती है अपनी, एक साल की वारंटी है। ये आप देख रहे किसान भाइयों, राजस्थान की प्रसिद्ध थ्रेशर मशीन है जो कि साइड पंखे में है, भूत मॉडल। इसमें आपने गियर बक्सा है, 5 ज्वाइंट का 6 ज्वाइंट का 3 स्पीड। हाँ जी, 3 स्पीड है इसमें, 3 स्पीड है, 5 ज्वाइंट 3 स्पीड गियर बक्सा है। काफी 6 का भी लगाते हैं, वो खड़ा डायग्राम में होता है 6 का, साइड में रोलर लगते हैं जी। ये हो गया बिना एलिवेटर के। अब हम आपको एलिवेटर वाली मशीन दिखाते हैं। ये वाली जो मशीन है ये भी साइड पंखे में है और भूत मॉडल ही है। इसमें हम आपको जो गियर बक्सा का जो ज्वाइंट दिखाएंगे वो 6 ज्वाइंट हम आपको दिखाते हैं। इसमें ये 6 ज्वाइंट है, आप ये देख सकते हैं। ये ज्वाइंट आप खुद ही तैयार करते हैं या कहीं से तैयार करवाते हैं? खुद ही बनाते हैं हम सब चीज, सारी चीज। गियर बक्सा, गियर बक्सा टिंकल का, इसमें टिंकल का है, 3 स्टार वाला। हाँ, 3 स्टार। और इसका जो हेड साइज है वो क्या है? इसका हेड है 14, 15, 17। 3 कट का हेड है, 3 कट का हेड है। किसान भाइयों आप देख रहे हैं इसका जो कन्वेयर है काफ़ी चौड़ा और काफ़ी बड़ा है, जिससे कि आप गाड़ा आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी जो निकासी है वो भी ज़बरदस्त आपको मिलेगी, क्योंकि इसका 3 कट का हेड है, और 3 कट का हेड होने की वजह से ये निकासी ज़्यादा करेगी। हाकम भाई, इसकी जो निकासी है घंटे के अंदर कितनी आ जाएगी? घंटे के अंदर 40 क्विंटल। हाँ, 40 क्विंटल, 40 क्विंटल की इसकी निकासी आएगी। आप देख रहे हैं बड़ा हेड होने की वजह से, और 6 ज्वाइंट का है, तो ये आला गीला कैसा भी चलाओ सब में काम करेगी, सब में काम करेगा, सब में काम करेगी। तो ये काफी बड़ा है जो इसका हेड है। और मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये खड़े बेलन में है। हाँ, खड़े बेलन, खड़ा बेलन है, स्पेशल ऑर्डर पे बनाया होगा। हाँ, स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर पे बनाया ये खड़ा बेलन है। आप देख सकते हैं ये वाला जो बेलन है, ये वाला बेलन ये साइड में काम करेगा, आपको सिर्फ फेंकना है, सीधा अंदर जाएगा। ये बेलन ऊपर काम करेगा, जिससे कि आसानी से अंदर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा निकासी होगी, और डीजल भी कम खाएगा आपका, ट्रैक्टर दबेगा नहीं। तो ये साइड बेलन वाला, खड़ा बेलन वाला मॉडल हमने आपको दिखाया है, भूत मॉडल। इसका 3 कट का हेड है, इसकी सुपड़ी है, ये ड्रम साइज, ये 32 में या 31 में? ये 31.5 में, 31.5 में है। इसमें आपने हाइड्रोलिक पंप लगाया, वैसे ज़्यादातर जो कारखाने वाले होते हैं वैसे ही लगा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि धीरे धीरे, हाँ, आसानी से उठ जाता है, उठ जाता है। और इसके अंदर लपेटे में वही आपने 4 mm में, 4 mm की आपने चादर लगाई है। और ये जो ये भी टाटा की चादर है, की है। ये वाला जो एक्सल है ये हैवी ड्यूटी एक्सल है, ये 75 mm का है, ट्रोली वाला, ट्रोली वाला 75 mm का है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मशीन है बन के कितने क्विंटल की हो जाती है हाकम जी? ये 32.5 क्विंटल मैक्सिमम बैठेगी, 32.5 क्विंटल की बैठती है। किसान भाइयों आप देख रहे हैं, मैंने आज तक के किसी भी, मैंने आपको इतनी वीडियो दी होंगी किसान भाइयों, मैंने आज तक किसी भी कारखाने, किसी भी फैक्ट्री में 32 क्विंटल की मशीन नहीं देखी। या तो बैठेगी वो 28 क्विंटल की या 30 क्विंटल की, 31 क्विंटल की, लेकिन ये 32 क्विंटल की है। आपको माल हैवी मिलेगा, आप रेट पे मत जाइएगा, आप क्वालिटी पे जाइएगा, क्योंकि क्वालिटी यहाँ पे बेटर मिलेगी आपको, और क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। मैं आपसे यही एक ही बात कह रहा हूँ कि क्वालिटी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ कटोरी वाला पे ही आपको आना है, अलवर के अंदर। और यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे तसल्ली पूर्वक काम होता है। कोई भी किसान हमारी वीडियो देख रहा हो, MP, UP, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कहीं का भी किसान हो, यहाँ पे थ्रेशर बनाने का काफ़ी बड़ा कारखाना है, और काफ़ी यहाँ पे किसान आते हैं, दूर दूर से यहाँ पे किसान आते हैं थ्रेशर लेने के लिए, क्योंकि ये कटोरी वाला जो एड्रेस पड़ता है अलवर के अंदर में, ये बहुत पुराना कारखाना है, सबसे पहले स्थापित यहाँ पे हुआ, उसके बाद में दूसरी जगह रामगढ़ या फिर आपके बड़ौदा में बनाने लगे। और हम हाकम जी से पूछते हैं, हाकम जी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो क्या समाधान करते हैं आप हमारे किसानों के लिए? नहीं, हम वहाँ जाते हैं, जाते हैं फील्ड में, फील्ड में जाते हैं और जाके वहाँ पे समाधान करते हैं, कोई भी, पहली बात तो फोन पे कर देते होंगे। हाँ, फोन पे व्हाट्सएप कॉल करके बता देते हैं यहाँ से कर लो, अगर फिर भी नहीं हो पाए तो हम वहाँ बंदा भेजते हैं, बंदा भेजते हैं। तो ये कह रहे हैं बंदा भेजते हैं, और इन्होंने जैसे बताया अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है, जैसे मान लीजिए
तो आप ऑनलाइन घर तक भिजवा देते हैं? भिजवा देते हैं ना, ऑनलाइन ऑनलाइन भिजवा देते हैं, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कारखाना है, जो यहाँ पे कितनी सारे देखो आप, यहाँ पे चेचिस का ट्रे, ये सारे के सारे, ये सारे ऑर्डर पे ही है या फिर अपन रेडी करके रखते हैं? हकम भाई नहीं, सारे ऑर्डर से ही है, अपने सारे ऑर्डर से है अपना, ज़्यादा करके फोन से ही ऑर्डर होते हैं ऑनलाइन, फोन से ऑर्डर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे ये चेजिस करके तैयार हैं, और इतने सारे जो ये थ्रेसर बनाई जा रही है, सब ये ऑर्डर पे है, बिना ऑर्डर के कुछ भी नहीं है। आप ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आपको थ्रेसर लेनी है, और आपको अच्छी थ्रेसर लेनी है, क्वालिटी की थ्रेसर लेनी है, लंबे समय तक चलाना है, तो आपको यहाँ पे आना है। हाकम एग्रो इंजीनियरिंग के नाम से यहाँ पे फर्म है, काफ़ी बड़ा कारखाना है, काफ़ी पुराना कारखाना है, और यहाँ पे हम आपसे यही कहते हैं कि आप धोखाधड़ी से बचें, आप जेन्युइन जगह पे आएँ। इनके नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, इन्हीं के नंबर पे कॉल करें या वीडियो कॉल करें। आप अगर किसी के झांसे में आ गए तो आप गलत जगह पहुँच जाएंगे, तो आप जेन्युइन जगह पे आइए, ताकि आप लोगों को सही चीज़ मिल सके और सही दाम आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।